लेकिन कहीं मेरे बीवी बच्चे का पता नहीं चल रहा कि वो संसार में जिंदा है या हमेशा हमेशा कहीं शनाप्त। अगर आपके बीवी और बच्चे संसार में जीवित होंगे तो एक नए दिन अवश्य मिलेगा। नहीं, अब वो जिंदा नहीं है। और ये सब महाराज पदम सिंह की वजह से। इंसाफ का है नारा, इंसाफ का है नारा, इंसाफ करूंगा जो है पहाड़ रास्ते में। दुश्मन के वास्ते फौड़ा बनूंगा और रामगढ़ की हस्ती को मेरे नौजवान शहरों को काफी दिन गुजर गया है। और दिन बीते बहुत कुछ सीख लिया, जीने की है वो पर संसार में प्रसिद्ध है। जिस रास्ते से गुजरता हूं लोग बाबा शक्ति का नाम लेते रहते हैं और आज बाबा शक्ति के पास चलेंगे। अरे वो कुछ देता है
तो ठीक नहीं जिंदगी से हाथ धोला और उसे जिंदगी से आजाद करके मैं अपनी भी हत्या करके अपनी कहानी समाप्त करूंगा। इसे तैयार हो जाओ और जंगल का पूरा छान मारो और जहां कहीं पर मिलता है अगर वो कुछ देता है तो ठीक मैं उसे गोलियों का निशाना बना दो। तैयार हो जाओ। नारायण की जय हो। यही है बाबा शक्ति। बाबा शक्ति, बाबा शक्ति। शैतान, शैतान नहीं वक्त का चुका हुआ इंसान। डाकू शैतान मेरा। बहुत अच्छे किया व्यक्ति जो मेरे पास आ गया। तेरे को बहुत टीवी आना चाहिए था, देर से आया। पर आया तो सही, लेकिन मेरे पास आने के लिए इतने बड़े गैंग की क्या जरूरत पड़ गई थी लाने के लिए? ऐसे ऐसे खतरनाक औजारों को लाने की क्या आवश्यकता? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जो जो पग आगे डरे को लाने का मेरी शोक क्या है?